आइए साथियों, आज हम बात करते हैं द्वितीय चरण के मतदान के बारे में। बूढ़े हों या जवान, सभी करें मतदान, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। आज हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, क्या रुझान है, मत का प्रयोग करेंगे, क्या सोचकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और बात करते हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथी, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार वर्मा लोधीपुर से। खासकर इस लोकतंत्र के महापर्व में सबसे पहले आपसे सबको बधाई देना चाहता हूं और सभी मतदाताओं जितने भी मतदाता हमारे हैं, जागरूकता के आधार पर हमारे मतदान कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र में आखिर हमारी भी सारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियों को निभाते हुए सारे मतदाता जो हैं अपना मतदान के लिए जागरूक हैं और अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान कर रहे हैं। और बाकी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, जिनका भी मतदान नहीं हुआ है वो आएँ और मतदान करें, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ लोधीपुर बल्कि संवेदनशील यहाँ क्षेत्र रहता है, उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके एकजुटता के साथ इस क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं। कोई भी वैमनस्यता नहीं है, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है, सभी लोग मिलजुल के मतदान कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर पूरी आम जनता को प्रेरित किया है। शहीदों की नगरी से एक पूरे देश के लिए संदेश जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यहाँ पर कोई वैमनस्यता नहीं है, पूरे शांति पूर्वक ढंग से यहाँ पर मतदान हो रहा है। जबकि कहना है कि यहाँ पर संवेदनशील रहता है ये क्षेत्र, लेकिन इस बार बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है। आपके साथ ही खड़े हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जनता को, जो घर में बैठे हुए हैं सोच रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए, बस उनसे यही अपील है। मैंने यही अपील है कि उनको घर घर से भी लेके आना है और डालना भी, उनको डलवाना भी बहुत ज़रूरी वोट है। साथियों, ये बहुत बड़ा पवित्र कार्य है कि घर से लाना, उनको प्रेरित करना, बूथ तक पहुंचाना, ये एक पवित्र कार्य है। मैं तो इसको किसी भी पवित्र कार्य से कम नहीं आंकना चाहूँगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट हर किसी को डालना चाहिए, क्योंकि वोट ही आपका इस देश का भविष्य तय करता है, कि वोट से ही सब चीज़ जो होना है, कि देश में क्या जागरूकता आनी है या फिर क्योंकि डेवलपमेंट होना है, वो आपका वोट ही उस चीज़ को तय करेगा। वोट ही तय करता है आपके भविष्य को, क्योंकि आपका ये संवैधानिक अधिकार है और आपको संविधान में ये अधिकार मिला है कि हम अपने वोट का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। चलिए साथी, बात करते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे कि कैसा विकास रहा और क्या कुछ और विकास होना चाहिए, अपने विचार आप दीजिए। विकास हमारे समझ से ठीक ही है सब कुछ, और जो सरकार बढ़ा सकेगी अच्छी बात। बस हम ये चाहते हैं देश के हित में होना चाहिए जो कुछ भी होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर्द छलक रहा है, या कुछ और क्या होना चाहिए बता दें। विकास तो ऑलरेडी हो ही रहा है, अब जो कमियां रहेंगी वो अब आगे पूरी होंगी। अच्छा, तो आज आपने वोट किया, कैसा महसूस कर रहा है? वोट हमेशा करते हैं, इस बार भी अच्छा लगा। चैनल के माध्यम से आप सभी मतदाताओं को, जो घर में बैठे हैं अभी छुट्टियां मनाते हैं, कुछ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वोट डालें, आए या नहीं आए? नहीं, अधिक से अधिक मतदान करें, अपने मतदान का प्रयोग करें, और मतदान का प्रयोग आपका अधिकार है। क्या रोज क्या करते हैं आप? मैं अब वर्किंग हूँ, मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, तो सलोन डिपार्टमेंट में मेकअप आर्टिस्ट एंड मैनेजर। ओके ओके, तो क्या बताना चाहेंगे, कैसा विकास रहा? बहुत अच्छा, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, और हम लोगों का तो खुला वोट है भाजपा के लिए। अच्छा अच्छा, आप हमारा भी भाजपा की तरफ। ओके ओके, धन्यवाद। क्या चाहते हैं आप शहर के लिए, कुछ अलग? शहर के लिए हम चाहते हैं सरकार बदले। अच्छा, साइकिल पे वोट डालेंगे, जरूर जिताएंगे साइकिल को। चलिए, ये चाहते हैं सरकार बदले, मतलब परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पर एक अंकल हैं, मैं बात करना चाहूँगा, क्या सर आप बताना चाहेंगे कुछ आज के इस महापर्व के बारे में? हमने तो साहब विकास के लिए वोट दिया है। अच्छा, भयमुक्त शासन रहे, जनता सुरक्षित रहे, इसलिए वोट किया। भयमुक्त शासन रहे, जनता सुरक्षित रहे, इसीलिए इन्होंने वोट किया है। और मैं जनाब हैं यहाँ पर हमारे, इनसे बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आज के महापर्व के बारे में? अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, साइकिल चल रही है, बहुत दबा के इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और आपकी साइकिल ही जीतेगी। आप सभी इंशाल्लाह ताला सभी मतदाताओं के लिए अपील, जो अभी घर में बैठे वोट डालने नहीं आ रहे उनके लिए थोड़ा अपील कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम की। ज्यादा सबको चाहिए ज्यादा से ज्यादा आए और वोट डालें, और जिस पे दिल करे वोट डालें, अपनी मनपसंद से जहाँ दिल करे वहाँ वोट डालें, और कोशिश करें कि अपने शहर का विकास हो
और सबका काम हो, सबको नौकरी मिले, क्योंकि इस सरकार में नौकरी किसी को नहीं मिली। हर चीज़ महंगी, गेहूँ महंगे, चावल महंगा, आटा तेल, हर चीज़ महंगी ही महंगी है। अब बताओ क्या आदमी, गरीब आदमी क्या खाए, क्या कमाएगा? तेल 200 रुपए में, 250 रुपए में, पेट्रोल 100 रुपए में, ये कोई तरीका है यार? कम से कम लोग, पब्लिक को देखो, लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, कम से कम रेट कायदे का रखो ताकि सबका भला हो और सब लोग खुश रहें। सभी लोग खुश रहें, सबका भला हो। यहाँ पर महंगाई पर उन्होंने सच्चाई का बयान दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये शहर हिंदुस्तान सबका है, सब लोग मिलजुल कर रहो, सबकी तरक्की करो। ये नहीं भेदभाव करो, बात गलत है। सब लोग मिलजुल करो, सबका सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, मगर महंगाई बहुत हो गई। गरीब आदमी भूखा मर रहे हैं यार, मैंने कह दिया पढ़े लिखे लोग रक्षा चला रहे हैं, मिनी मेट्रो भूख मिट जाएगी। क्या कहना चाहिए? चावल गेहूँ बढ़ने से भूख मिट जाएगी, तेल दे रहे हैं कितना, कितने दिन चल जाएगा? आदमी को नौकरी चाहिए, 4 दिन 6 दिन पर आदमी, जगह में 4 आदमी वे कमा लिया, 3 बैठे हुए हैं, जब इतना काम ही नहीं तो करे क्या आदमी? ये युवा भाई बता रहे हैं, आजकल आदमी को चाहिए नौकरी और कारोबार, ये नहीं बेरोजगारी यार बहुत है। मिनी मेट्रो, अरे MBBS करे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, कितने अफसोस की बात यार। मेरी सरकार भी नहीं रही, सरकार को कुछ सोचती नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती यार। 300 में क्या कमाए, क्या बचाए, क्या ले घर पर रखे बच्चों के लिए, बच्चे क्या पढ़ेंगे? साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रोजगार को लेकर। मुझे लगता है ज्यादातर यहाँ पर युवा साथी हैं हमारे, और रोजगार पर बात ये कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, काम नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, कैसे अपना गुजारा बसारा करेंगे? एक और भाई है यहाँ पर, बताना आप क्या बताना चाहेंगे, क्या महंगाई हो रही है? सपा सरकार से पूर्व BJP सरकार जो अभी मौजूद हालत में है, 500 वाला सेंटर 950 रुपए में बेच रहा है। महंगाई का जो दर बढ़ती है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जितने बार पेट्रोल डीजल बढ़ेगा उतने बार महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल के का दर्द इनको साफ झलक रहा है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में ही बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को रोज़गार तो मिला नहीं, 5 साल में कोई नौकरियाँ निकली नहीं, ना कोई रोज़गार पर काम हो रहा है, ना किसी चीज़ पर, विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर इधर 250 रुपये के गल्ला बांटा जा रहा है तो सिलेंडर महंगा कर दिया जा रहा है, तेल महंगा कर दिया जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ? देखा आपने किस तरीके से समस्याएं हैं युवाओं की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर बात की गई है। और मैं कुछ और अपने भाइयों से बात करना चाहूँगा, यहाँ रोजगार के लिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी के लिए कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ। लेकिन फिर भी आर्थिक विकास भी आज की डेट में आपको पता ही है कि आर्थिक क्या चल रहा है, महंगाई है और शिक्षा है, बेरोजगारी है, ठीक है, और तेल के दाम देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, पेट्रोल देख लीजिए कहां से कहां तक पहुंच गया, कितनी बार पेट्रोल चढ़ा है, गिरा है, फिर एकदम पेट्रोल जा करके इतना हाई आसमान पे पहुंच गया है। गाड़ियों की बिक्री देख लीजिएगा कितनी क्या है, आदमी परेशान की परेशानियों में घिरा हुआ है। जितनी भी तकलीफें हैं क्या आम जनता के लिए हैं, और लोगों के लिए नहीं है? और लोग तो मजे से रहते हैं, जनता जो बेरोजगारी और भुखमरी से मरती चली जा रही है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ना कोई समझता है, ना कोई कुछ कहता है। सब कुछ तो सरकार में सब कुछ तो बिकता चला जा रहा है, हर जगह बिकता चला जा रहा है, कहीं पे क्या है, किसानों के लिए तो कतई हालतें ख़राब कर दी हैं, हर परेशानियों में इंसान घिरा बैठा हुआ है। महंगाई और रोज़गार को लेकर उन्होंने बात की और किसानों के हक की बात की है, और किस तरह से परेशान OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, यो सरकारी कर्मचारी है, इस सरकार ने यो पेंशन बंद कर दी है, ओल्ड पेंशन, तो 60 साल के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से आएगा? जब पेंशन है तब तो रोटी नहीं मिलती है, घर वाला नहीं पूछता है, जब पेंशन ही नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जबकि अपनी जो है ले रहे हैं और हम लोगों की बंद कर दी, इसलिए जो है हमारा मत जो है सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा इनका कहना है, आरोप लगाया है कि लीडर्स अपनी पेंशन ले रहे हैं, नेता लोग अपनी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी की पेंशन क्यों बंद कर दी है? इनका कहना है कि घर में पेंशन होती है तो थोड़ा सहारे से रोटी मिल जाती है, लेकिन पेंशन नहीं होगी तो घर में भी कोई रोटी देने को तैयार नहीं है। ये सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, और OPS पे बात की उन्होंने और पेंशन लागू हो, और ये चाहते हैं कि जो विकास करेगा वही सत्ता पर। पहला काम तो जो है ना महंगाई पे बात हो, महंगाई जिस तरीके की है, पेट्रोल है, कड़ुआ तेल है,
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी महंगी हो गई कि आदमी को खरीदना बहुत मुश्किल है। सैलरी वगैरह लॉकडाउन से आदमी इतना परेशान था पहले से ही कि मतलब जो बंदे काम करते थे फैक्ट्री में या प्राइवेट या वैसे कैसे भी, तो वो नौकरियां सारी रद्द कर दी गई और उनको आधी सैलरी दी गई। अब जब खुला तो इतनी महंगाई एकदम हो गई, इंसान को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। सरकार सिर्फ विज्ञापन अखबार में फ्रंट पेज पे सिर्फ विज्ञापन छपके आता और कुछ नहीं आता, किसी भी विपक्ष पार्टी के विज्ञापन भी नहीं छपता, जो सत्ताधारी पार्टी उसी विज्ञापन भी छपता है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही इस बार। देखा आपने सभी के भैया, महंगाई हो रही है, महंगाई है, काम है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। हाँ, आप कितना कमा लेते हैं शाम तक केला बेचकर? 100-200 रुपए बस है। और क्या, महंगाई ज्यादा है, आदमी महंगाई से मार खा रहे हैं, महंगाई से महंगाई ज्यादा है। ये नहीं महंगाई नहीं पैदा हुई नहीं पैम। अच्छा, क्या महंगाई है? महंगाई है। अच्छा अच्छा, कैसे महंगाई बताना? महंगाई बहुत ज्यादा है, इनकम है कम। अच्छा, इनकम है कम। डीजल तेल वो 100 की जगह 200-250 का हो गया, डीजल 50 की जगह 100 का हो गया, और जो गाय चरे जा रही है खेत, सब किसान आदमी परेशान है, भैंस सारा खेत चरे जा रही है, ये इनकी दर्द है। जनता बहुत परेशान है, इतना बुरा हाल है कि बेरोजगारी चरम पर है, सरकार को बदलना चाहते हैं। ये चुनाव जो है जनता और सरकार के बीच में है, ये पब्लिक लड़ रही है, ये समझ लीजिए आप। जनता बदलाव चाहती है, सत्ता परिवर्तन जनता चाहती है, ये पब्लिक और सरकार के बीच लड़ाई है, चुनाव है ये। अच्छा, आप समझ लीजिए, जनता बहुत परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, और इतना कीमतें बढ़ गई हैं। और इस वक्त आप देख लीजिए जितना भी बेरोजगार खड़ा है, सब बेचारा डिग्री लेके हाथ में घूम रहा है, और जो जितने भी यहाँ पर आए मध्यवर्गीय बेरोजगार, वो नहीं, हम दुकानदार हैं, उनसे पूछ लिए दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बोनी तक के ला ले हैं, ये हाल है इस वक्त। साथियों, आपने देखा अभी केला वाले अंकल है, उनसे बात की है, वो सिर्फ 100-200 रुपए कमा पाते हैं, ये बेरोजगारी का हाल है। यहाँ पर कुछ युवा साथी है, क्या बताना चाहेंगे? क्या महंगाई? बहुत महंगाई है। अच्छा जी, महंगाई बेरोजगारी सब महंगाई है। 2 साल से धंधों की तेजी हुई पड़ी है। सत्ताधारी सरकार है, किसानों की 7.5 इसने किसान मरवा दिए, इसलिए इस सरकार को बदलना चाहते हैं। सबसे ज्यादा हत्याएं भाई हैं तो इसी सरकार में, किसानों में ही, किसान अन्नदाता है, उसके खिलाफ इन्होंने जो अन्याय किया है वो किसान ही इनको फिट करेगा। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है, उसी के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, न्याय मिला नहीं। अच्छा, और झूठी सरकार है, सब वादे जितने किए सब झूठी किए, सारे झूठे, कोई झूठे वादे हैं। सत्ता परिवर्तन, 5 आदमियों को जिसने मारा उसकी जमानत हो गई, और भैंस बकरी चोरी में आदमी जमानत नहीं हो रही, जमानत झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार को, इस सरकार को किसानों बनाने का काम किया था, अब सरकार ही इसको फिट करने का काम करेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? सरकार बदलना चाहेंगे। सरकार बदलना चाहेंगे, क्या काम करते हैं बताइए भैया? हम लोग उस लायक काम करते हैं, हालात इतने बुरे हैं, बैग जी जाता है भीख मांगने लगे, जब किसान के पास नहीं होगा हमारे पास काम करवाने, कद्दू आया कुछ करवाने नहीं आएगा, तो इस चक्कर में चाहते हैं इस बार सरकार बदली जाए और तनवीर खान को यहाँ से जिताया जाए, भारी बहुमत से कम से 50,000 चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। साथियों, हमने बात की यहाँ पर और आपने देखा किस तरीके से युवाओं ने, बेरोजगारों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने अपनी बात रखी अपने